इस वीडियो के अंदर आगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू सा गाली हो सकता है, तो अगर आप लोग एक बच्चे हो इस वीडियो को यहीं पे त्याग दें। लेकिन अगर आप लोग पूरी तैयारी करके आए हो मुझे देखने के लिए, मेरा फेस को देखने के लिए, एंड थोड़ा बहुत गाली आपके कान में चुभने वाला नहीं है। ये इच्छा आपकी जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन एक विशेष सूचना, आपके बगल वाले कमरे में जाओ और ईयरफोन लाओ और उसको डालो अपने कान की छेद में, और कहीं नहीं डालना, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, फ्री फायर के साथ कुछ दिनों से हमारा रिश्ता काफी गहरा हो चुका है। इसलिए प्यार से फ्री फायर ने हमको प्रेम पत्र भी भेजा है एंड उसके साथ साथ कुछ चीजें भेजे हैं, जिन चीजों को हम लोग स्वयं कैमरा के सामने प्रकटित होके खोलेंगे। और हाँ, ध्यान से पार्टनर प्रोग्राम वाला गाली भी कमेंट में लिखना भूलना मत। चल तो चलिए दोस्तों, अपने आप को आज हमारे अपने चैनल के अंदर हम स्वागत करते हैं बेसर मिकी सारे हदें तोड़ के। कैसे हैं आप सब? नमस्ते भैयाथान, तो समझते एंड यहाँ पे हमारे सस्ती वाली अनबॉक्सिंग हो जाएगा आज। अनबॉक्सिंग किस चीज का होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अभी तक मेरा ही आवाज सुन रहे थे, मैं हूँ रश्मिक राज। थोड़ा सा हेल्दी हूँ लेकिन यार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी यार यहाँ पे है हमारा अनबॉक्सिंग वाला चीज जिसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं। गरना फ्री फायर ने इस चीज को हमें भेजा है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। लाइक मुझे तो पता है, आप लोगों में से भी कुछ लोगों को पता होगा। वैसे तो पैसा सबके पास होता है कि मार्केट से जाके चीजें खरीद सकते हैं हम लोग, ठीक है? लेकिन यार फ्री फायर भेजा है, समझ रहे हो? नहीं बस ये वाला डब्बा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, लाइक मेरा एड्रेस वगैरह लिखा है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो आप लोग मेरे घर आ जाओगे, ठीक है? मैं एड्रेस नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी। तो ओपन करते हैं इसको, पास आ जाइए, पास आ जाइए। सबसे पहले हम इसको फाड़ देते हैं, ठीक है? यार 20 रुपये का चाकू ने कमाल कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा धार है इसमें, ऊपी वाला। वैसे सबसे पहले तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने ये चश्मा क्यों पहन रखा है, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है? एंड रूम के अंदर बहुत ज्यादा लाइक लाइट वाइट नहीं आता है, तो मैंने सीधा बाहर ही कर लेते हैं सूट, एंड धूप से बचने के लिए ये वाला सनग्लासेस मैंने पहन लिया। वैसे भी सेक्सी लग रहा है, मेरे को पता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनहूस लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अरे यार बॉक्स तो टूटी सी लग रही है, कहीं झोल ना हो जाए गाइस, कहीं काम ना हो जाए हमारे साथ, अगर बॉक्स के अंदर से एक भी चीज गायब रहा ना। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। किसी का मैं कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो देने वाले थे वो देखे जा चुके हैं, ठीक है? बॉक्स तो फूटी हुई है यार, सच्ची बोल रहा हूँ भाई। बिग वाला लॉल हो गया, गिर गया भाई, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। फोटो रुक गया, तो गाइस बॉक्स हम लोगों ने ओपन नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका पॉलिथीन जो है उसको उखाड़ के फेंक दिया है। बाकी यार बॉक्स के ऊपर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्री फायर एंड उसके, भाई यार ये चाकू को थोड़ा सा साइड में, चाकू को थोड़ा सा साइड में करते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्री फायर, यहाँ पे ऑपरेशन क्रोनो आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है? 19 दिसंबर 2020 ये जा चुका है, लेकिन यार हम लोगों को ये जो बॉक्स है, क्रोनो का जो बॉक्स है, ये हम लोगों को बहुत लेट मिला है। पता नहीं क्यों फ्री फायर ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया हम लोगों को ये वाला डब्बा भेजने में, आगे से शायद से लेट नहीं होगा, आई थिंक सो, आई होप सो फ्री फायर से। बाकी यार देखते हैं बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलता है जो कि फ्री फायर के तरफ से आया है। बॉक्स तो ऑब्वियसली फ्री फायर की तरफ से आया है, इसको नीचे रखते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को चीज देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले जो चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो है ये कैप, ठीक है? वैसे भी समर का सीजन आ रहा है और ये वाला कैप हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, शायद क्या होगा कि नहीं पता नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे सर पे ये वाला कैप जो है बिल्कुल फिट बैठ चुका है, आप लोग देख सकते हो किस टाइप का देखने के लिए मिलता है ये वाला कैप हम लोगों को, बढ़िया सा लग रहा है मुझे तो यार, फिट लगा एंड अच्छा क्वालिटी का भी है, दिख रहा है मेरे को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जूते देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस, एंड जूतों को हम लोग यहाँ पर से अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स के अंदर तो नहीं है लेकिन फिर भी हम अनबॉक्स करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस टाइप का जूते हम लोग को मिल रहा है, ब्लू एंड व्हाइट टोन के ऊपर ये वाला जूता आ रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो।
एंड क्वालिटी की अगर हम लोग बात कर ले, क्वालिटी चेक अगर हम लोग कर ले तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का जूता हम लोगों को फ्री फायर ने भेजा है। इसको क्या बोलते हैं इस टाइप का जूतों को? स्नीकर्स। हाँ, तो मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा नॉलेज है फैशन चीजों की, फैशनेबल चीजों के बारे में। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्नीकर्स। तो यहाँ पे साइड में हम लोग को फ्री फायर का लोगो देखने के लिए मिल जाता है बोथ दी साइड्स में। एंड यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो फ्री फायर का लोगो बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं साइड में, देखते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग को इस बक्से के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा आप लोगों को साइड से, जैसे कि यहाँ पे चिड़िया उड़ रहे हैं गाइस बहुत ज्यादा, एंड चिड़िया का नॉइज आप लोगों को आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। उसके साथ साथ आप लोगों को विंड का जो नॉइज है वो सुनाई दे रहा होगा, लेकिन यार प्लीज मैनेज कर लेना क्योंकि बाहर बनाना पड़ रहा है यार वीडियो, सस्ता जुगाड़, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग साइड में रख चुके हैं। उसके बाद हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है गाइस? ओहो ओहो ओहो, ये शायद से हाफ पैंट है ना, चेक करते लेते हैं यार आप लोगों के सामने, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। यस गाइस, यस, हम लोग बिल्कुल सही थे। यहाँ पे हम लोग को एक शॉर्ट देखने के लिए मिल रहा है, हाफ पैंट देखने के लिए मिल रहा है। इसके ऊपर भी फ्री फायर बरकरार है बना हुआ है, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मेरे को लगा यार। एंड समर का सीजन पे ये चीज भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है हम लोगों का, ठीक है। इसको पहन के हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, फुटबॉल वगैरह भी इस टाइप का पैंट को पहन के खेलते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग रखते हैं साइड में, मतलब साइड में नहीं, नीचे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो चीज देखने के लिए मिल रहा है वो है ये, क्या है चीज है हम लोग को लगता है ये टी शर्ट ही होगा। एंड इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। क्या गाइस, टी शर्ट की डब्बे से हम लोग को मिलेगा 20,000 डायमंड? नहीं यार, वो तो सपना है, सपना ही रहेगा। ओके गाइस, यार काफी बड़ा नहीं, ओपी भाई साहब, ओपी लग रहा है। वैसे थोड़ा सा विंड यहाँ से यहाँ तक है तो थोड़ा सा ये जा रहा है उधर उड़ उड़ के, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरे साइज के हिसाब से है, मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस। इसके ऊपर हम लोगों को बढ़िया सा ग्राफिक्स देखने के लिए मिल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड ये ग्राफिक्स मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। चलो इसको भी हम लोग रखते हैं अभी साइड में। एंड ये जो टी शर्ट आप लोग देख रहे हो, ये पैंट, ये जो हाफ पैंट था, इसके साथ साथ इसको पहन के हम लोग वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कारण फ्री फायर ने हम लोग को भेजा है। इसको रखते हैं नीचे हम लोग। उसके बाद हम लोग को क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है गाइस, वो भी हम लोग यहाँ पर से पता लगा लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये क्या है भाई, ये जैकेट है क्या? थोड़ा सा हाथ को वैसा वैसा फील आ रहा है, लेकिन क्या चीज है ये जैकेट? ओ यस गाइस, ये एक जैकेट ही है, हुडी है आप लोग इसको बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। इसको एक्चुअल में विंटर्स में पहनने का मजा ही कुछ और था। आप लोगों ने देखा क्रोनो का जो इवेंट था विंटर में ही आया था, लेकिन चीज तो हम लोगों को समर में रिसीव हुआ है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट विंटर सीजन को इसको पहन लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि चीज टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है। इसके ऊपर ग्राफिक्स हम लोग को बहुत ज्यादा ओपी वाला तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो मटेरियल है, जो क्वालिटी है इसका, ये काफी ज्यादा सही है। एंड हाथ में साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है, स्टिकरिंग किया गया है बढ़िया सा, ये चीज भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड पीछे इसके हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है फ्री फायर का ब्रांडिंग एंड फ्री फायर का लोगो, ठीक है। इसको भी हम लोग रखते हैं नीचे। यार नीचे डोरेमन बैठा है हमारा, उसके पेट में हम सब चीजें डाल रहे हैं, बाद में जब भी हम लोग उसको कुछ भी चीज मांगते हैं वो अपने पेट से निकाल देगा और हम लोगों के हाथ में दे देगा, ठीक है। इसको भी हम लोग नीचे रख देते हैं। बाकी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हम लोग को क्या चीज देखने के लिए मिलता है गाइस? ओके ओके ओके, इसको हम लोग नीचे रख देते हैं। ओ यस गाइस, ये हम लोग को एक पैंट देखने के लिए मिल जाता है, ये भी काफी ज्यादा ओपी सा लग रहा है मेरे को, स्पेशली जो नियॉन का इफेक्ट है ना भाई साहब, क्या ही बताएं, ओपी लग रहा है गाइस। ये आप लोग देख सकते हो बढ़िया सा पैंट है, ये भी मेरे ऊपर बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला पैंट भी। तो सारा का सारा चीजें मैंने आप लोगों के सामने अनबॉक्स कर लिया, आप लोगों को आई थिंक वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए और मेरे लिए मैं एक चैलेंज रखा हूँ। चैलेंज कैसा होने वाला है गाइस, इस वाले वीडियो पे अगर आप लोग 20,000 से भी ज्यादा लाइक करते हो या फिर 5,000 से भी ज्यादा कमेंट करते हो, दोनों आप लोग कर सकते हो, कोई सा भी आप लोग कर सकते हो, जो भी आप लोग सबसे पहले कर सको कर लेना। 20,000 लाइक हो जाता है या फिर 5,000 कमेंट हो जाता है, 2 महीने के अंदर मैं मेरा वेट को कम कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने पतले बन के आऊंगा। क्या आप लोग ये चाहते हो? क्या आप लोग सोच रहे हो कि ये वाला चैलेंज मेरे को देने वाले हो आप लोग? ठीक है, तो यार आप लोग कमेंट कीजिए, 5,000 कमेंट से ज्यादा कमेंट अगर आता है तो मैं मेरे खुद का जो फिगर है उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो
आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के ऊपर। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नई फ्रेश अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे करते रहो, अपने सारे इनिंग्स को मारते रहो। दोस्तों अगर आपको लगता है वीडियो यहीं पे खत्म हो गया तो शायद से आप लोग गलत हो, अगर आपको लगता है कि यूट्यूबर का लाइफ बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है, तो शायद नहीं, आप बिल्कुल 100% गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि कैमरा के पीछे हम लोगों को ऐसा भी करना पड़ता है। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।